हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारास किचन। आज मैं न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, स्टफ्ड पोटैटो स्किन्स। स्टार्टर और एपिटाइज़र की बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही इजी और डिलीशियस है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 मीडियम साइज पोटैटोस को वॉश कर लेना है और बॉईल कर लेना है। जब ये पूरी तरह से बॉईल हो जाएंगे तो इनको चेक कर लेना है। मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ और उसके बाद पानी को ड्रेन कर देना है। ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश करके अलग से प्लेट में निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब पोटैटोस ठंडे हो जाएंगे तो सेंटर से काट के अंदर से पल्प निकालना है। पल्प को अच्छी तरह से निकाल के दूसरे बोल में डाल देना है, बस साइड छोड़ देनी है ताकि स्किन ख़राब ना हो। इसी तरह से बाकी पोटैटोस के साथ भी करना है। ये देखिए, मैंने पोटैटो पल्प और स्किन्स को अलग कर लिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर फ्राइंग पैन को लो फ्लेम पे रखना है, उसमें 2 खाने के चम्मच अनसॉल्टेड बटर डालना है। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो मैश्ड पोटैटोस डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है। फिर 1/2 कप बॉइल्ड चिकन को श्रेड करके पोटैटोस में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर क्रीम ऐड करनी है 1/4 कप। मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, मैं 1 स्लाइस ऐड कर रही हूँ, आप बार चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मिल्क ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करके सॉफ्ट एंड स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। नमक ऐड करना है टेस्ट के हिसाब से, काली या सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और मिक्स्ड हर्ब्स को स्प्रिंकल कर देना है। दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, सॉफ्ट एंड स्मूथ क्रीमी मैश्ड पोटैटोज़ रेडी हो गए हैं। अब ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। जब मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो उसको पोटैटो स्किन्स के अंदर फिल कर देना है टॉप तक। और अगर मिक्सचर बच जाता है तो आप रेफ्रिजरेट करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। फिर मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है, मैं स्लाइस चीज़ ऐड कर रही हूँ टॉप पे। आप चाहें तो बार चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। श्रेड करके इस तरह से स्प्रेड कर देनी है। चॉप्ड वेजिटेबल्स स्प्रिंकल करनी है, आप कोई भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। मैं शिमला मिर्च, प्याज, ऑलिव्स और टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टफ्ड पोटैटो स्किन्स कितने कलरफुल और टेस्टी लग रहे हैं। फिर टॉप पे ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देना है। फिर बेकिंग ट्रे के ऊपर बेकिंग शीट सेट कर देनी है और ग्रीस कर देना है ऑयल से। पोटैटो स्किन्स को भी ग्रीस करके ट्रे में सेट कर देना है। ये देखिए, बेकिंग ट्रे में इस तरह से सेट करके 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करना है 20-30 मिनट्स के लिए। ये देखें जी, हमारे पोटैटो स्किन्स बेक हो चुके हैं, चीज़ भी मेल्ट हो गई है और हल्की सी क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो अब निकाल लेते हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।